जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तमाम भाइयों का? उम्मीद है सब मेरे भाई खैर खैरियत से होंगे और आप भाइयों के परिंदे भी अच्छे होंगे। भाइयों रात का टाइम है, तकरीबन 11:30 हो रहे हैं और छत पे बैठा हुआ हूँ। ये कबूतर अभी मैंने खोल दिए, ये सारे ब्रीडर जोड़े हैं, ये कैल्शियम वेल्शियम इनको रखी हुई है, तो ये खोलें क्योंकि अभी ऊपर कबूतर खुले हुए थे। जाल की लाइटें आप जैसे देख सकते हैं ऑन है सब, ये कलर वलर भी पड़े हुए हैं अंदर, अभी करने थे कुछ काम पेंडिंग में थे, लेकिन अब सीज़न सर पे आ गया था तो ये काम रह गए। तो मकसद ये है कहने का, वीडियो बनाने का, कि आज जो है बड़ा बैड लक हुआ और अचानक जो है लाइट चली गई पूरे एरिए में, और हमारे यहाँ बेसिकली ये जो है यहाँ लाइट जाती नहीं है, रेड जोन एरिया है, तो इसलिए हमारे पास कोई एमरजेंसी का बंदोबस्त नहीं है, ना तो जनरेटर है ना तो यूपीएस है। तो यूपीएस है लेकिन वो ख़राब पड़ा हुआ है, बैकअप पे रेडी नहीं था क्योंकि कुछ अंदाज़ा ही नहीं था लाइट का। तो कबूतर माशाल्लाह उड़े थे, आज नरों की फील्ड थी और 1 बजे के छोड़े हुए थे, अचानक जो रात में लाइट गई है कबूतर उसमें थोड़ा सा घबरा गए, क्योंकि अब ये पूरे फ्लैट है और जब तमाम एरिया यहाँ पर पूरा जेट ब्लैक हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगी, और ये सामने कमर्शियल एरिया है सारा, बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, तो ये भी सारे लाइट्स वगैरह यहाँ भी बंद हो गई। और आगे तो मेरे वैसे ही जो है ना ये रेलवे का गोदाम है, ये तो खाली वैसे ही जो है ना रेगिस्तानी है, तो इधर वैसे ही अंधेरा बहुत है। और बाज़ ने भी हमला किया और मेरे 2 कबूतर जो हैं आज शार्ट हैं, तो उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। कभी ज़िंदगी में रात बाहर नहीं रहे हुए, दोनों यंग पट्ठे हैं, 10 पर साफ हुए हुए परवाजी, माशाल्लाह बड़ा आला उड़े थे, और कभी रात बाहर नहीं रहे बचपन से लेकर अभी तक, लेकिन माशाल्लाह से 28 कबूतर उड़ाए थे नर, 26 घर बैठे हैं अंधेरे में, ये 2 नहीं बैठे भाई, तो 2 कबूतर नहीं बैठे हुए, उनका वेट कर रहे हैं। तो आप भाइयों से भी गुजारिश है कि दुआ करें कि दोनों कबूतर मेरे आ जाए, बड़े कीमती और मेन कबूतर है मेरे नरों की फील्ड के, इसमें जो है कबूतरों की मिस्टेक नहीं हो सकती क्योंकि लाइट बैठ जाना ये तो हमारे एंड से प्रॉब्लम है, तो कबूतर आगे पीछे निकल गए, कहीं लंबे निकल गए और लाइट ऑन ही है, इंशाल्लाह अल्लाह ने किया तो रात को ही आ जाएंगे और या तो दिन में आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा चलो आप भाइयों को भी थोड़ी सी अपडेट दूँ। सर्दियों के मौसम में बड़ा उछाल होता है, डस्टी मौसम भी बहुत है ना, पूरा जो है ऊपर आसमान क्लियर नहीं है, सितारे भी मदम है क्योंकि डस्ट बहुत है, तो यह ऑल ओवर कंडीशन थी परवाजी कबूतरों की आज रही, माशाल्लाह अच्छे उड़े, बस दुआएं कि अल्लाह करे दोनों मेल आ जाए, मेरे बड़े जो है ना स्टनिंग किस्म के कबूतर हैं वो। और ये माशाल्लाह से 2 बच्चे ये नए आपको नज़र आ रहे हैं, इनको कलर वलर मारा हुआ है, अभी टाइम नहीं है, इनको ऊपर शिफ्ट नहीं किया तो इनको भी ऊपर शिफ्ट कर देंगे, दाना वाना खाने लगे, ये खुद अपनी काबक से बाहर भी आ गए। बाकी पर भी ये काला बच्चा यहाँ रेडी हो रहा है और यहाँ अंडे हैं, बच्चे निकलने वाले हैं, आगे भी अंडे हैं, यहाँ पर भी माशाल्लाह से जोड़े ने 2 बच्चे निकाले हुए, ये मेरा मेन जोड़ा है भाई, वो आज तक मैंने किसी वीडियो में इसका शौक नहीं कराया हुआ, तो इंशाल्लाह किसी दिन पकड़ के शौक कराऊँगा आपको। ये माशाल्लाह वो जोड़ा है कि इसका बच्चा जो है ना, एक तो ये हर कलर मारते हैं और उसके अलावा जो है इसके बच्चों की जो परवाज़ का आलम है वो बस मत ही पूछें आप। तो ये जो मादा है इसका बच्चा है, वो एक जो नहीं आया, एक इसका बच्चा है और एक मेरा काना कबूतर है जिसका मैंने आपको वीडियो में शो कराया हुआ है, वो सामने बैठा हुआ है ऊपर, दोबारा भी इसके बच्चे निकलने वाले हैं, एक इसका बच्चा है और एक इस कलनों की मादी का बच्चा है, तो ये 2 कबूतर हैं जो आज नहीं आए हुए। तो इस मादी की एक पट्टी का आपको शो कराता हूँ, बड़ी ही लाजवाब पट्टी, ये बहुत लंबा उड़ी थी और इसमें से भी ये 2 बहनें थी, इसमें से एक ज़ाया हो गई मौसम की ख़राबी की वजह से, अभी परिंद होकर आई थी तो फड़कों में, कच्ची फड़कों में ही जोर मार के ज़ाया हो गई, तो फिर मैंने बड़ी पट्टी भी इसकी रोक ली है, तो उसका मैं आपको शौक कराता हूँ, ये इसकी बड़ी पट्टी है माशाल्लाह से, ये मैंने इसको भी, ये देखिए आप इसके शोल्डर पर कलर लगा हुआ है, ये मह परवास थी तो उसको मैंने सेव कर लिया क्योंकि ये वाला कलर जो है ना अभी जोड़ा बना नहीं था, और जो उसके साथ मेल लगा हुआ ये भी भाई अपनी जगह पे बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत ही आला कबूतर है, तो ये जोड़ा डाला है अभी नया यहाँ छोड़ा हुआ, इंशाल्लाह इसको ऊपर वाली काबक में शेड कर दूंगा, जोड़ा जैसे ही पक्का हो जाएगा। तो
ये भी इसी जोड़े की, ये जोड़े की डायरेक्ट पटी है इसी नर की, ये काले सीने कबूतर की और ये कलनो की मादी की। तो एक इसी मादी का एक और पट्ठे का आपको शौक कराऊं, अब जब छत पे बैठा हुआ हूँ तो इसी मादी का एक और पट्ठा है जो ब्रीडर है आगे खुद भी। ये कबूतर सामने बैठा हुआ है, इसका भी बच्चा है, यहाँ पीछे बच्चा बैठा होगा। तो ये कबूतर है, ये भी इस मादी का पट्ठा है, ये भी आगे ब्रीडिंग में। तो ये मेरी माशाल्लाह कलनों का, ये बड़े लाजवाब कबूतर है, ये मेरे पास ब्रीडिंग में भी हैं और महे परवाज भी बहुत सारे हैं ये। अब आपको उसकी एक पट्टी का और शौक कराता हूँ, एक किधर भी खाने में जोड़ में लगी हुई है और ये अंडों पे बैठी हुई है कलनों की, ये भी इसी कलनों की मादी की पट्टी है। और ये आगे से इसके पट्ठे की पट्टी है, ये भी परवाज से रोकी है मैंने, तो ये भी मैंने बोला ज़ाया ना हो जाए, इसको भी सेफ कर लिया। ये भी बहुत माशाल्लाह से कीमती और बड़ी अनमोल ब्रीड से मादी और नर भी माशाल्लाह, मेरा उड़ा उड़ाया कबूतर है। इसके पंजों का शौक करें आप, इसके पंजे आप देख लें, इसकी क्वालिटी इसके पंजे खुद ही बता देंगे। और ये पट्टी भी माशाल्लाह बहुत लाजवाब है। तो ये मैंने, ये नर मैंने अब सर्दी में नहीं उड़ाया क्योंकि ज़ाया हो जाते हैं, ये भी और ये भी, ये मेल भी मेरा बहुत परवाजी है, लास्ट ईयर सर्दियों में ये बहुत लंबा लंबा उड़ा हुआ है, और ये माशाल्लाह से गर्मियों में भी बहुत अच्छा उड़ा हुआ है। तो ये इसको भी ब्रीडिंग में डाला हुआ है और ये भी पूरा जोड़ा जो है ब्रीडिंग में डाल दिया मैंने। तो माशाल्लाह से जितने भी कबूतर हैं वो सब एक ही ब्लड लाइन से हैं ऑलमोस्ट, और वो ब्लड लाइन इस मादी की है जिससे बने हैं ये सारे कबूतर। नर इसके साथ चेंज होते रहे लेकिन अभी काफ़ी टाइम से इसी के साथ इसके बच्चे हैं। बाकी भाइयों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कबूतर हैं जिनके नीचे सिर्फ बच्चे ही पलवाता हूँ, उनकी ब्रीड लेता नहीं हूँ मैं। ये मेरा कबूतर अभी नीचे उतरे, ये कलर वाला, ये भी मेरा माशाल्लाह परवाजी कबूतर था, इसको भी जोड़ों में डाला, ये पूरा जोड़ा ही परवाजी था और इसको भी रोक दिया, ये भी लास्ट ईयर बहुत लंबा उड़ा हुआ है। तो कुछ कबूतर सेव कर लिए थे लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से, लेकिन देखिए सर्दी में ये ना होता है, सर्दी की उड़ाने लोग बोलते हैं गर्मी मुश्किल है, लेकिन यहाँ कराची में सर्दी उड़ाना बहुत मुश्किल है भाई, कबूतर बहुत ज़्यादा होते हैं, बाज बैरी, मौसम की आर पार डस्टी मौसम, कोयटा की हवा उल्टी, तो सीनियर कबूतर का ही काम है, जूनियर कबूतर तो आगे पीछे ही हो जाता है। तो ये ऑल ओवर मैंने कहा चलो आप भाइयों के साथ थोड़ी सी अपडेट शेयर करूँ। और एक आपको अंदर भी बच्चा नज़र आ रहा है काला बच्चा, इसको भी मैंने शोल्डर पे कलर मारा है, अभी इसको भी शिफ्ट करना है ऊपर। ये भी माशाल्लाह बहुत ही ख़ास जोड़े का बच्चा है, इंशाल्लाह इससे बड़ी उम्मीद है इससे, क्योंकि इसके बहन भाई बड़े परवाज करते हैं, बहुत उड़ते हैं। बाकी ये जो काले का जोड़ा है जिसका बच्चा यहाँ ऊपर निकला हुआ है, इसके मैं बच्चे बच्चे लेता नहीं था, लेकिन ये बच्चे पलवाता था इस नर से, क्योंकि काले कबूतर बनाने ही नहीं थे। लेकिन अब इसके साथ जो मादा डाली है, ये घर की पट्टी है काली वाइट आइस की, तो तफाक से इस बार इसके अपने बच्चे निकल चुके हैं। तो ये बच्चे आप देखें यहीं पर उड़ रहे हैं इधर उधर खानों में, इंशाल्लाह कुछ दिनों में ऊपर शिफ्ट होंगे और फिर इनको भी हिलाएंगे और उड़ाएंगे ये टूर्नामेंट। ये काला बच्चा आ गया बाहर, बच्चा माशाल्लाह इसकी चेहरा ही बनावट ही बड़ी ख़तरनाक किस्म की है, इंशाल्लाह पट्टी होगी तो उसको रोक लूँगा नहीं उड़ाऊँगा। और इसका इसका जो बाप है माशाल्लाह वो हमारे जो है घर की बड़ी ख़ास ब्रीड में से और सबसे ख़ास कबूतर है वो, इंशाल्लाह आपको किसी दिन शौक कराऊँगा उसका भी। तो मैंने कहा चलो आप भाइयों को थोड़ा सा ये अपडेट दूँ, आज दो कबूतर रह गए भाई, दुआ करना कि आ जाए, वो बड़े कीमती कबूतर हैं और बहुत ही ख़ास कबूतर हैं। बाकी ऑल ओवर जोड़ों वाले कबूतर हैं, इनको इनको तो मैं नहीं खोलता हूँ बाहर, क्योंकि ये उड़ जाते हैं तो बैठते नहीं, ये बड़ा तंग करते हैं, लगे हुए सभी, लेकिन ये वाले जो हैं काफ़ी अरसे से रुके हुए हैं, यहीं ब्रीडर, तो ये इतना अगर उड़ भी जाएँ तो टेंशन नहीं आ जाते। लेकिन ये वाले रवां कबूतर हैं ये, क्योंकि पहले परवाज़ों में थे, ऊपर ये उड़ जाते हैं तो बैठते नहीं हैं भाई इतनी आसानी से। ठीक है भाई, और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। उसके अलावा जो भी चैनल पे न्यू भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि जो है आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ लेकर आएँ। और इंशाल्लाह अभी थोड़ा से कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स में अटका हुआ था, अभी वहाँ से फारिग हुआ हूँ तो यहाँ पर अपने, जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि मेरे पास ब्रीडिंग का कोई ख़ास सिस्टम नहीं है, सेटअप वगैरह नहीं है। छोटे छोटे से ये केजेस हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तीन ये रखे हुए हैं लाइन से, चौथा यहाँ है, एक अब एक मेरे जाल के अंदर भी है वो सामने, तो इस तरीके से जोड़े लगे हुए हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट फ्लैट हैं और इसके ऊपर ज़्यादा जो है ना मैं बना नहीं सकता, लेकिन अब कोशिश है कि यहाँ एक छोटा सा सेटअप बना लूँ ताकि कभी कोई कबूतर निकले लगे ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि वैसे तो ये सब लगे हुए कबूतर ही जोड़ों में डालता हूँ मैं, इसीलिए यहाँ पर तो ये उड़े उड़ाए होते हैं तो इनकी ये टेंशन नहीं होती कि इधर उधर निकल जाएंगे, आ जाते हैं। ये रात भी लगे हुए हैं भाई, ये भी रात का टाइम है, ये उड़ भी जाएँ तो उनको मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये रात दिन पक्के हैं। तो इंशाल्लाह भाइयों फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।